हे गाइस वेलकम टू आवर चैनल। पहले तो आप सब्सक्राइब कर देना, पहले कंसर दबाना। सो गाइस इस वीडियो में हम बनाएंगे राखी। ये राखी स्पेशल वीडियो है। सॉरी फॉर लेट गाइस, बहुत लेट होगी मुझे, पर पता है मुझे आप चैनल पहले तो आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना। सो गाइस इस वाली वीडियो में ना वो गाइस ये सारे हमारे मटेरियल हैं। ये सीजर पहला तो क्या हमारा सीजर तो इसको कमेंट में बताओ। मैं तीन सेकंड का टाइम जैसे ओन ये सब ऐसा कुछ वन टेप तो कॉमन ही है। टू थ्री कोई भी पेंसिल जैसे बताओ वो मैं तो ले राखी। नॉर्मल डोम्स की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो और एक कार्डबोर्ड होगा जी, आपको एक कैसी भी ले लेना। मैं अब मैंने इसको मार्क कर लिया है पूरा, देख सकते हो आप। आप इस पे ना ऐसे रख के और ये बार भी टेप लगा देना जैसे कि आप अभी देख पाओगे। स्कूल की पड़ी थी उसको मैंने यूज़ किया। आप पहले मैं इसको बैठा लूँ अच्छे से दोनों कॉर्नर्स को मार्क करके और फिर कट करना है आपको। अब देखो मैं इसको टेप लगा दूंगा इसके ऊपर आप लेना वहाँ पे अच्छे से पूरा। अभी आप देखना गाइस ये टेप का पीस ले गया बड़ा इसके लिए। और टेप आप गंदा मत गंदा टेप मत रखना, उससे फिर आप राखी का वो होगा ना अच्छा दिखेगा नहीं। और मुझे डेकोरेशन इतनी पसंद नहीं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया। आप चाहो तो इस पर बीट्स वीट्स ऐसा कुछ लगा सकते हो। चलो और आप देख सकते हो वो साइड साइड है ना ये जो निकले हुए, अब इसको पीछे तरफ पेस्ट मत करना, कट कर देना उसको। वाइट शीट कह रहा हूँ, कार्डबोर्ड जो गंदा वो टेप का साइज मत वो यूज़ करना। नाप लेना उसके सेंटर में ना सेलो टेप ही यूज़ करना। मैंने फोल्ड करके मार्क कर लिया। अब ऐसे उसको पूरे में ऐसे करना है जो साइड में ऐसे निकले हुए तो उसको मैं कट कर रहा हूँ आपके पास। और गाइस टेप अभी भी कह रहा हूँ जैसे आप देख पा रहे हो ये टेप थोड़ा गंदा है, हल्का हल्का गंदा है। गाइस इसकी साइज देख लो, आप देख सकते हो कितना गंदा सा हो गया। तो ये टेप यूज इसकी साइज है आपकी, इसको मैं फेंक इसका सेंटर यहाँ पर आ रहा है। तो गाइस ये ऊपर ऊपर बड़ा है और नीचे में छोटा है और फिर नीचे में 5.5 है और टेपर में 0.5 है। साफ थोड़ा गाइस ऊपर ये टेप साफ है, ऊपर का जो एरिया है इसको यूज करो। और जो उसका जो पहले वाले टेप का एंड होगा ना और वहीं से उस टेप को स्टार्ट करना, ऊपर एक चढ़ाओगे उससे अच्छा दिखेगा नहीं। वो आपने कई बार देखा भी होगा और फिर उसका पैटर्न थोड़ा गंदा सा हो जाता है। वो था ना जो रेक्टेंगल था उसको मैंने गाइस फोल्ड कर दिया। मैं साइड का कट कर दे रहा हूं, उस पे टेप लगा दिया साइड साइड जैसा कि आप देख पा रहे हो। फिर ये मैंने बार और ये जो नीचे के निकला है ना एक्स्ट्रा वो नीचे का बार डॉल का ये ड्रेस मैं इसको कट करूंगा। फिर गाइस ये एक्स्ट्रा जब निकला रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी राखी में। और भाई और अगर गीला हो गया तो फिर वो ख़राब भी हो जाएगा, इसलिए उसको इतना कट कर दूंगा मैं। और गाइस उसको मैं पूरा कट नहीं करूंगा, उसको भी तो मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा आप डिज़ाइन कर सकते हो अगर आप चाहो। पर वो डिज़ाइन करने के बाद आपको अच्छे से उस पर टेप लगाना होगा कि फिर ऐसा आपको मुश्किल हो जाएगी। गीला हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए बनवा रहा हूँ कि गीला ना हो, वाटरप्रूफ। ऐसा फेंक दिया। अब देखो नीचे का ऐसा एरिया निकला हुआ है, आप चाहो तो और डिज़ाइनिंग कर सकते हो। मैंने तो ऐसे ही रखा है। मैं भी जब बना रहा था ना तो मेरा कैमरा गिर गया था। और गाइस आप देख सकते हो आप, मैं नीचे के एरिया पे ना आपको अच्छे से बिल्कुल टेप लगाना है, टेढ़ा मेढ़ा ना होना पाए और हल्का सा भी गैपिंग रह गई बीच में तो आपका अंदर भी ड्राइंग गीली हो जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गाइस इसको बिल्कुल ध्यान से लगाना, बिल्कुल अच्छे से कट करके। मैं आपको ज़्यादा सजेशन दूंगा पूरा कट कर देना उतना, तो नीचे का एरिया आप रखना ही मत। गाइस ऐसा कुछ ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान से कट करना। मैं आपको अभी फोन कर रहा हूँ, ध्यान से कट करना।
तब तो मैंने उसको ध्यान से कट कर लिया है। आपका जो एरिया बचा होगा ना उसमें, तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना या फिर कट कर लेना। तो गाइस अब जैसे आप देख पा रहे होगे, मैंने थोड़ा थोड़ा एरिया छोड़ा है और कॉर्नर उसका फटे ना इसलिए। तो गाइस अब आप देख सकते हो मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर रहा हूँ। तो गाइस ये देखो आप अच्छे से फोल्ड करना गाइस। और गाइस ये मैंने बोला था आपको, जो साइड के एरिया आपने कट करे हैं ना उसको फेंकना मत, ये काम आ सकता है। गाइस मैं तो आपको सजेशन पहले भी दे रहा था, वही दे रहा हूँ, कट कर देना नीचे का एरिया, रखना मत। तो गाइस अब इसको अच्छे से बिल्कुल, थोड़ा सा कॉर्नर कट नहीं हो रहा, कैसी थोड़ी ख़राब हो गई है। तो गाइस इसको अच्छे से बिल्कुल कर लिया, देखने में कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना। और गाइस टेप से इसका ना कॉर्नर जो होंगे अच्छे से बिल्कुल कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं होने पाए। और कॉर्नर जो थे ना उसके, मैंने जो कट किए थे अभी आपको दिखाए नहीं, वो मैंने टेप को ऐसे रख के और फिर मार्क किया और फिर कट कर दिया। एक गोल रहेगा थोड़ा सा, देखने में अच्छा लगेगा। और फिर तो फिर ऐसे गाइस आप चाहो तो चारों ओर कर सकते हो, बट मैंने चारों ओर नहीं किया, मैंने बस दो ओर किया। तो फिर गाइस आप चाहें तो उस पर चारों ओर पे टेप लगा देना। और गाइस मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे पीस का क्या करना है। अब आपको काम है उस थ्रेड का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, उस थ्रेड यहाँ पर ऐसा कुछ रख के, थ्रेड को ऐसे रख के और फिर उस पहले उसकी सेंटर एरिया देख लेना आप, और फिर सेंटर को उसके सेंटर से रख के और फिर उस पर जो कार्डबोर्ड शीट है आपकी, वो जो मैंने आपको बताई थी, वो एक ही कार्डबोर्ड शीट और ना दूसरी ऐसी वेस्ट जाएगी आपकी शायद से। गाइस अब इसको आप अच्छे से टेप लगा देना, और जो थ्रेड होगी ना थ्रेड पे भी टेप लगाना, और जो कार्डबोर्ड होगी कार्डबोर्ड पे भी टेप लगाना, पर टेप आगे ना आने पाए। मैं आपको बताऊँगा कैसे लगानी है आपको थ्रेड पे टेप। अब इसको आप कुछ ना टेप को बिल्कुल पतला सा कट करना आप, ऐसा देख पा रहे हो आप, ये बिल्कुल पतला सा टेप है। इस टेप को आप अच्छे से लगा देना उस पर, और फिर अब इसको क्रॉस में लगाना टेप को। एक टेप और कट कर ले, तो उस टेप को है दूसरा टेप थोड़ा मोटा कट गया, इस टेप को ऐसे क्रॉस में लगा लेना आप, और फिर उसके ऊपर कार्डबोर्ड शीट रखना। अब आगे आपको खुद पता चल जाएगा, आप देख पा रहे होगे। अब फिर आगे आप देखना गाइस, वो टेप जो लगाना वो ढंग से लगाना, ये आपको देखने में कैसे लग रहा है। सो गाइस अब आप देख पा रहे होगे, अब आपको इस पर अब कार्डबोर्ड लगानी है, उल्टा करो और फिर इस पर कार्डबोर्ड रखो और फिर टेप लगा दो। वो टेप ऐसे लगाना कि वो कार्डबोर्ड गीली ना होने पाए। टेप जो लगाना आप वो पूरे पे लगा देना, पूरे बैक साइड पे, क्योंकि पीछे में मैंने तो बस थोड़े से लगाया क्योंकि मैं राख इतनी पहनता नहीं। सो गाइस वैसे मैं पहनूंगा ही नहीं इसको मैंने तो अच्छे से लगाया नहीं है, आप अच्छे से लगा लेना अगर आपको पहननी है तो। गाइस चलो अब आप देख पा रहे होगे इस पर कुछ मैंने एस टाइप का टेप लगा लिया। तो गाइस अब आप देख सकते हो मैंने इसके अच्छे से टेप लगा लिया, और जो आप बाकी का एक्स्ट्रा टेप बचे ना उसको आप कट कर लेना या फिर उसमें फोल्ड कर देना गाइस पे। अब जो एक्स्ट्रा निकला उसको कट कर दिया मैंने, अभी देखने में आपको कैसे लग रहे हैं गाइस। अब आपको यूज़ है कोई भी ना, आप स्पीकर के रिमोट टाइप के कुछ आपको सामान ले लेना, मैंने तो स्पीकर का रिमोट यूज़ किया है। अब देखो आप देखना ये नीचे स्पीकर का रिमोट है ये। अब आपको मैंने आपको बताया नहीं स्टार्टिंग में, आपको ऊन की ज़रूरत है, ऊन
वूल, फिर इस पर ऐसे लपेट लेना पूरे को, आपने शायद से कहीं देखा भी होगा वो वूल लपेट कर, फिर उधर से जो कट करके करते हैं, और फिर आप ऐसे पूरा फोल्ड कर लेना, और फिर ऐसे वो आप देख पा रहे होगे मैंने उसको पूरा लपेट लिया। अब जो एक्स्ट्रा वहाँ से कट कर देना, और फिर ना इसका ये पूरा जो थ्रेड है ना एक साइड से पूरा कट कर देना। गाइस मैंने इसमें कुछ ज़्यादा टाइट बांध दिया, इसमें उससे कट नहीं रहा, आप टाइट में बांधना। इसको काटने के बाद आपको टेप लेना है, इस तरीके से आपको टेप स्टार्टिंग पे लगा के उसके, और फिर वो जो राखी होगी उसके कॉर्नर आप किस साइड भी जिस साइड आपको मन करो उस साइड लगा लेना कुछ इस टाइप का, और फिर लगाने के बाद आप जो कॉर्नर एक्स्ट्रा बचेगा उसको कट कर देना या फिर उसमें फोल्ड कर देना, कोई दिक्कत नहीं उससे। गाइस आप जैसे देख पा रहे होंगे दूसरी साइड है उसमें भी आपको यही करना है। तो कमेंट करके बताइए देखने में आपको कैसी लग रही है। मुझे ज़्यादा डेकोरेशन पसंद नहीं है इसलिए मैंने इसमें इतने डेकोरेशन किया है, बट अगर आपको और डेकोरेशन चाहिए तो आप यहाँ पर बीट्स वीट्स कुछ ऐसा लटका सकते हो, कुछ भी आप अपनी कोई स्टाइल। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आपको मेरी आप इसको बना के ट्राई करना, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे होंगे सब्सक्राइब करना चैनल को इसके बाद। ओके फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।